सिबरिया थाना क्षेत्र में हुए रानी देवी ब्लाइंड केस का एसआईटी ने खुलासा किया है। एसआईटी ने इस संबंध में हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किए गए बाइक और चाकू को भी बरामद किया गया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए कपड़ा को भी जब्त कर लिया गया है। बाराटोला के सुनील कुमार नामक व्यक्ति ने 16 सितंबर को अंधविश्वास के चक्कर में रानी के गला को दबाया और चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। पुत्र का पिता बनने की चाहत में अंधविश्वास में आकर उसने घटना को अंजाम दिया था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने रानी का शव बरामद कर लिया था। ये बड़ी खबर आ रही है चतरा से। एसआईटी ने रानी मर्डर केस का खुलासा कर दिया है, साथ ही बाइक चाकू बरामद किया गया। ये बड़ी खबर चतरा से, रानी मर्डर केस का खुलासा हो चुका है, हथियारे को भी गिरफ्तार किया गया, साथ ही मर्डर में यूज किए गए चाकू बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। पुत्र पाने की चाहत में अंधविश्वास में आकर अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया था। चतरा की यह घटना। थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सबानो के कोंट्राटांड जंगल में एक महिला रानी देवी का शव बरामद कर किया गया था। इस घटना में शामिल एक अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ अनिल राम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और साथ ही साथ इस कांड का उद्भेदन करते हुए इस कांड में इस्तेमाल किए गए कपड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।